गाइज इन आर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड वन ऑफ द मेजर डिफिकल्टी दैट कम्स इन टॉप डाउन पार्सर एंड विच इज़ बैक ट्रैकिंग एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द एलिमिनेशन मैथड ऑफ बैक ट्रैकिंग दैट हाउ वी एलिमिनेट द बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम फ्रॉम टॉप डाउन पार्सर एंड दैट मैथड इज नॉन एज लेफ्ट फैक्टरिंग तो हमने लेफ्ट फैक्टरिंग को समझा था और लेफ्ट फैक्टरिंग का हम यूज किस लिए करते हैं किस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए करते हैं हमने वो सब कुछ अपने लास्ट लेक्चर में समझा था नाउ हियर वी विल सॉल्व वन एग्जाम्पल एंड विल अप्लाई द रूल विच वी हैव डिस्कस इन अर प्रीवियस लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर में एक रूल समझा था स्टैंडर्ड रूल समझा था लेफ्ट फैक्टरिंग का कि कैसे अगर कोई प्रोडक्शन हमारा इस फॉर्मेट में हो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ए डिराइव अल्फ़ा बीटा वन स्लैश अल्फा बीटा टू तो जब कोई प्रोडक्शन इस फॉर्मेट में होता है तो ऐसे प्रोडक्शन को हम कैसे रिप्लेस करते हैं किस तरीके से लेफ्ट फैक्टर करते हैं वो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो जब कोई प्रोडक्शन हमारा इस फॉर्मेट में है तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम रिप्लेस करेंगे अपने फर्दर इन दोनों प्रोडक्शन से ए डराइव अल्फा ए डैश ए डैश डराइव बीटा वन स्लैश बीटा टू तो लेफ्ट फैक्टरिंग का हम बेसिक बेसिकली जो यूज करेंगे वो किस लिए करते हैं बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए सो so गाइज अगर हम इस प्रोडक्शन को कंसिडर करें तो ये जो प्रोडक्शन है वो कैसा है एम बी गेस ग्रामर है एम बी गेस ग्रामर मतलब जब किसी भी प्रोडक्शन के एक से ज़्यादा पार्ट्स टू ड्रॉ होते हैं तो वो ग्रामर हमारी कैसी होती है एमबी गी एस होती है तो जब एम बी गस ग्रामर है तो हम क्या करेंगे लेफ्ट फैक्टरिंग की हेल्प से हम एम्बीग्यूटी को भी रिमूव कर सकते हैं और ग्रामर को लेफ्ट फैक्टर कर सकते हैं जिससे बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम ना आए तो यहाँ पे जब हम इस अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर वन को कंसिडर करें और इसको कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे क्या है ए डेरा अल्फा बीटा वन स्लैश अल्फा बीटा टू तो हम ये चेक करेंगे ये जो ग्रामर दी है वो इस फॉर्मेट से मैच हो रही है या नहीं तो एस यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल ए डराइव अल्फा स्लैश अल्फा तो यहाँ पे जो अल्फ़ा वाला पार्ट है दोनों प्रोडक्शन में कैसा होना चाहिए कॉमन होना चाहिए तो यहाँ पे जो हमारे दो प्रोडक्शन्स हैं उन दो प्रोडक्शन्स में हम देखेंगे तो और ये चेक करेंगे कि कितना पार्ट यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे स्मॉल आई कैपिटल ई स्मॉल टी स्मॉल एस और यहाँ पे भी स्मॉल आई कैपिटल ई स्मॉल टी स्मॉल एस ये चार जो पार्ट चारों जो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन ये चारों का चारों कैसा कॉमन है तो ये जब ये यह दोनों यहाँ पे कॉमन है तो इसको हम अल्फा कंसिडर करेंगे अब अल्फा के साथ हमें बीटा वन भी चाहिए तो यहाँ पे बीटा का कोई भी रेस्ट प्रोडक्शन नहीं है तो यहाँ पे जो बीटा हो जाएगा तो बीटा हम यहाँ पे क्या मान लेंगे एम तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे बीटा वन बीटा वन क्या होगा यहाँ पे एम जब कुछ भी नहीं है तो उसको हम एम कंसीडर करेंगे और सेकेंड प्रोडक्शन में जो बीटा टू होगा बीटा टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल एस e, और जो रेस्ट प्रोडक्शन है हमने अपने जनरल रूल में ये हमारा तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अगर हम इसी का जनरल फॉर्मेट देखते हैं तो जनरल फॉर्मेट में क्या है जैसे दो से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकते हैं कितने अल्फा बीटा एन और स्लैश और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं वहाँ पर लेमडा कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर जो ए है ये ए जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा लेमडा तो इस तरीके से अगर इस प्रोडक्शन को हम इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करें तो हम हमें क्या पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्शन है इसमें लेफ्ट बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो जब ये बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम है तो उसको हमें एलिमिनेट भी करना पड़ेगा तो एलिमिनेट करने के लिए हम इन दोनों प्रोडक्शंस का यूज़ करेंगे तो पहला प्रोडक्शन हमारा है ए डराइव अल्फ़ा ए डैश तो यहाँ पे ए क्या है कैपिटल एस डिराइव अल्फा क्या होगा यहाँ पे अल्फा जो कॉमन वाला पार्ट है स्मॉल आई कैपिटल ई स्मॉल टी स्मॉल एस दोनों में था अल्फा तो ये यह यहाँ पे अल्फा हो जाएगा स्मॉल आई कैपिटल ई स्मॉल टी स्मॉल एस ए डैश दैट मीन्स एस डैस ध्यान देना ये जो स्मॉल एस है वो इस प्रोडक्शन का एस डैस है ये इसका क्लोजर है नेक्स्ट अब ए डैश का हम करेंगे रिप्लेसमेंट तो यहाँ पे क्या होगा एस डैश डराइव बीटा वन तो बीटा वन यहाँ पे क्या है एम पी टी है स्लैश बीटा टू बीटा टू की वैल्यू है यहाँ पे स्मॉल ई स्मॉल एस तो इस तरीके से हमने अपने इस प्रोडक्शन को रिप्लेस किया बाय यूजिंग दीज टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शंस तो अब सेकंड इक्वेशन को हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या है ई डराइव स्मॉल बी ये सेकंड प्रोडक्शन है इस इस ग्रामर का तो सेकेंड प्रोडक्शन है वो हम यहाँ ईजिली देख सकते हैं उसका सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है उसमें कहीं पे भी हमें बैक ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है तो वो जो प्रोडक्शन होगा वो एज इट इज़ ऐसा ही आ जाएगा तो अब ये जो तीन प्रोडक्शंस हैं ये तीनों के तीनों प्रोडक्शन हमारे क्या है फ्री फ्रॉम बैक ट्रैकिंग इन प्रोडक्शन पर हमें बैक ट्रैकिंग की नीड नहीं पड़ेगी तो ये प्रोडक्शन्स जो है हमने क्या किया इनको लेफ्ट फैक्टर कर दिया गाइज यहाँ पे एक चीज़ मिस हुई है जैसे जब हम जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है उसको हम लेमडा कंसिडर करते हैं तो उस लैमडा को भी हम यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन था हमारा ये तो था अल्फ़ा ए डैश और स्लैश में जो लेमडा वाला पार्ट है यानी कि स्मॉल ए स्मॉल ए भी साथ में आ जाएगा यहाँ पे सो गाइस स्टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड बोथ द डिफिकल्टीज दैट कम्स इन टॉप डाउन पार्ट द फर्स्ट वन इज लेफ्ट रिकर्शन एंड द सेकंड वन इज दिस बैक ट्रैकिंग सो आई होप आपको ये टॉपिक ईजिली क्लियर हुआ होगा सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन कॉमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस अबाउट माई अपकमिंग वीडियोज़ सी यू सून गाइज थैंक यू